हे एवरीवन, मैं हूँ शुभि और आप देख रहे हैं ग्लैमर। गुलकी के लिए थिएटर उनका पहला प्यार है और टेलीविजन उनके लिए उनका हस्बैंड है। पर क्या आपको पता है, गुलकी को ऑडिशन के अर्ली डेज के रिजेक्शंस ने ये सिखा दिया था कि एक्टिंग सीखने से पहले रिजेक्शन फेस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करियर में इतना नाम बना चुकी गुलकी यदि एक्टर नहीं बनती तो वो पैराग्लाइडर, ट्रैवलर, ट्रैकिंग या कोई दूसरी एडवेंचरस फील्ड में अपना नाम बना चुकी होती। शायद आपको ना पता हो कि वो एक ट्रेंड पैराग्लाइडर भी है। पर उनकी लाइफ में ऐसा फेस आखिर क्यों आया था कि उन्होंने करियर के हाई टाइम में टीआरपी में टॉप पर बने रहने वाला शो मैडम सर से ब्रेक लेना ठीक समझा? कैसी थी उनकी अर्ली लाइफ और क्या रही है उनकी एजुकेशन? कब करने वाली है गुलकी जोशी शादी? और करियर के इस लेवल तक पहुंचने में क्या क्या स्ट्रगल्स गुलकी ने फेस किए? और क्यों वो कभी बिग बॉस जैसे शो का पार्ट नहीं बनना चाहती? गुलकी जोशी की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें मैं शुभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गुलकी जोशी का जन्म 17 मई 1990 को इंदौर, मध्य प्रदेश की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही गुलकी बहुत फन लविंग है और हमेशा ही हंसती हंसाती रहती है। वो बताती है कि वो बचपन में टॉम्बॉय टाइप हुआ करती थी, लेकिन कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं किए। बस स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहना और एडवेंचरस चीजों में हमेशा से उन्हें इंटरेस्ट रहा है। हमेशा से पढ़ाकू रही गुल की पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, साथ ही डिबेट, डांसिंग, स्पोर्ट्स सब में वो इतना एक्टिव रहती थी कि 12 बजे स्कूल ओवर हो जाने के बाद भी उन्हें घर आते आते शाम के 4 बज जाते थे। क्लास 8-9 से ही उन्होंने डिज्नी कैरेक्टर्स के लिए डबिंग करना स्टार्ट कर दिया था और ऐसे ही एक दिन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के दौरान उन्होंने स्पीच दी थी, जिस पर इतनी तालियां बजी और उन्हें बहुत एप्रिसिएशन मिला और इससे वो और बेहतर परफॉर्म करने को मोटिवेट हो गई। अपनी स्कूलिंग गुलकी ने मलाड के बॉम्बे कैम्ब्रिज हाई स्कूल से कंप्लीट की। इसी दौरान 11th-12th क्लास में गुलकी ने फर्स्ट टाइम एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें एक रिच लड़की का रोल निभाना था। गुलकी वहां ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें तैयार होने की भी समझ नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला था कि अपने बाल ठीक कर लो। खैर, लाइफ के फर्स्ट ऑडिशन में ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। ये शो था कर्म युद्ध, जो DD1 पर टेलीकास्ट किया गया था और इस शो में गुलकी को बस 2 दिन का रोल मिला था, जिसके लिए उन्हें पर डे 1500 रूपए दिए गए थे। गुलकी बताती है कि वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना उनके लिए अब तक का बेस्ट मोमेंट है और 2 दिन की 3000 रूपए सैलरी पाकर वो खुद को दुनिया की सबसे अमीर लड़की मानने लगी थी। खैर, इस शो के बाद गुलकी ने स्टडीज कंटिन्यू रखी और मीठीबाई कॉलेज ज्वाइन किया। फिलोसफी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था और इसमें अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ साइड बाय साइड गुलकी कॉलेज कॉम्पिटिशन में एक्टिंग भी किया करती थी, जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिलने लगी और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई है। और तभी से एक्टिंग फील्ड में जाने का डिसाइड करके उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थिएटर से जुड़ने के बाद उन्हें काफी सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसके बाद ही उनकी टीवी पर एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हो सकी। पर अब तक जितना सुनने में आसान लग रहा है, गुलकी की एक्टिंग जर्नी इतनी आसान नहीं रही। एक्टिंग पसंद आने के बावजूद काफी बार उन्हें उनके स्किन कलर की वजह से बार बार ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि उन्हें गोरी चिट्टी लीड एक्ट्रेस चाहिए। यहाँ तक कि एक बार तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ये बोल दिया था कि अच्छा, आप नौकरानी के रोल के लिए आई हो। गुलकी इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करती, बस कहती है कि ये इंडस्ट्री इसी तरह काम करती आई है और इन्हीं रिजेक्शंस ने उन्हें और कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड बनने में मदद की है और आज वो ऐसी पोजीशन पर आ चुकी है जहां वो तारीफ और बुराई से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। जहां स्टार्टिंग में उन्हें हर चीज से, परफॉर्मेंस से, लोगों से, सेट्स पर बात करने में सब में शाइनेस फील होती थी, वहीं टाइम के साथ सब बदल गया और वो कॉन्फिडेंट बनती चली गई। उनका मानना है कि रिजेक्शंस, फेलियर्स सक्सेस से ज्यादा सिखाते हैं और लाइफ की जर्नी हमेशा हमें अंदर से बदलने की होती है, ना कि एक्सटर्नली। इसलिए उन्होंने कभी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, जबकि उनके करियर में कभी ऐसा टाइम आता था जब लंबे टाइम तक एक भी शो उनके हाथ में नहीं होता था और कभी कभी एक साथ 3-3 शोज में उन्होंने एक साथ काम भी किया। गुलकी को एक बार जब ये सुनने को मिला था कि आप लुक्स में इतना मैच नहीं करते बट परफॉर्मर अच्छे हो, तो चलो आपको ले लेते हैं। इस लाइन ने भी उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था कि इन वर्ड्स को वो एज अ कॉम्प्लीमेंट ले या फिर इंसल्ट समझे। खैर, बाय गॉड्स ग्रेस एक डायरेक्टर ने उनके टैलेंट के लिए उन्हें कास्ट किया, जिसमें 2011 में क्राइम पेट्रोल में एपिसोडिक रोल्स निभाने के बाद वो 2012 में फिर सुबह होगी नाम के टीवी शो में सुगनी के लीड रोल के लिए कास्ट की गई और अपने पहले ही शो से वो तारीफ लूटने में कामयाब रही,
तब वो बस 21 साल की थी। बाद में वो पीआर अंग्रेज, अदालत, एक श्रृंगार स्वाभिमान, परमा अवतार श्री कृष्ण, पीआर वेला जैसे कई टीवी शोज में नजर आई। पर 2020 के मैडम सर शो ने उनकी लाइफ पूरी तरह बदल दी। इस शो को काफी बार FIR से कंपेयर किया जाता रहा है, जिस पर गुलकी का मानना है कि ये शो FIR से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि FIR एक कॉमेडी सीरीज थी जबकि मैडम सर के एंड में हमेशा एक सीख दी गई होती है। इस शो में वो SHO हसीना मलिक का रोल निभा रही है, जिसमें उनके साथ शो में दो और लीड एक्ट्रेसेस लीड रोल में है। वैसे आपको तीनों में से किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद है कमेंट जरूर करें। खैर, कुछ टाइम के लिए गुलकी ने इस शो से ब्रेक लिया था, जिस पर ये रूमर्स उड़ाए गए थे कि शो की TRP की वजह से उन्होंने ये शो छोड़ दिया है, जबकि रियलिटी ये थी कि लगातार काम करने से गुलकी की फैमिली और रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने लगी थी और साथ ही मेंटल हेल्थ भी। यहाँ तक कि ना तो उन्हें काम करने की खुशी होती थी और ना लोगों से मिलने की, और इसलिए उन्होंने ब्रेक लेना ठीक समझा। आज गुलकी का इतना नाम है और फैन फॉलोइंग भी है कि वो चाहे तो बिग बॉस जैसे शोज में आ सकती है, पर उनका कहना है कि वो डांस या सिंगिंग रियलिटी शो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगी पर बिग बॉस का नहीं, क्योंकि उन्हें अटेंशन पाने के लिए ऐसे चीप स्टंट्स वाले शोज का पार्ट बनने का शौक नहीं है। गुलकी का पुरुष नाम के एक प्ले में एक रेप विक्टिम का रोल उनके एक्टिंग करियर के वन ऑफ द बेस्ट रोल्स में से रहा है, जिसके लिए उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की थी। सादे दाल चावल और घी की दीवानी और स्काई डाइविंग सीखने पर फोकस गुलकी के अभी शादी को लेकर कोई प्लान्स नहीं है। उनके पेरेंट्स उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, पर गुलकी का कहना है कि वो अपनी लाइफ को लेकर किसी और पर ना तो डिपेंडेंट है और ना कभी इस तरह डिपेंडेंट बनेंगी, क्योंकि जिंदगी में किसका साथ कब तक का लिखा है ये कोई नहीं जानता, इसलिए जब तक उन्हें कोई उनके टाइप का नहीं मिल जाता वो सिर्फ अपने काम पर फोकस है। वैसे गुलकी कहती रही है कि काफी बार उन्होंने लाइफ में ऐसा टाइम देखा है जहां वो गिव अप कर देना चाहती थी, बट यूनिवर्स ने उनको हमेशा ही सरप्राइज किया है और आगे भी वो अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव ही सोचती है। इसी विश के साथ कि गुलकी को लाइफ में आगे भी सब पॉजिटिव मिलता रहे और उनका करियर ग्राफ ऊपर जाता रहे, मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।